कर्नाटका कांग्रेस ने इंतखाबात में मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ बने रहने और जोड़े रखने के लिए जमीर अहमद खान को मैदान में उतारा है। जमीर अहमद खान स्टार कैंपेनर हैं और जमीर अहमद खान लगातार स्टार कैंपेनर के तौर पर हर इलाके में जा रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। मुसलमानों की तादाद काबिले लिहाज है, फैसला कुन है। ऐसे में जमीर अहमद खान को कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर भी दिया है ताकि वो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा टूर कर सकें और ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी पहुंचकर मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ खींच सके। जमीर अहमद खान लगातार एक दिन में कई अजला का दौरा कर रहे हैं और जमीर अहमद खान एक ऐसे लीडर हैं कांग्रेस में जिन्हें हेलीकॉप्टर दिया गया, यानी कि डीके शिवकुमार को हेलीकॉप्टर है, सिद्धरामैया को है और तीसरे नंबर के जमीर अहमद खान लीडर हैं जिन्हें ये सहूलियत दी गई है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने ये प्लान किया है। जाहिर सी बात है, मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से कांग्रेस से जुड़ी रही है, लेकिन JDS भी जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ रागिब कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के पास एक खासा प्लान ये रहा है कि जमीर अहमद खान के चाहने वाले, मतलब उनकी जो मकबूलियत है वो कहीं ज़्यादा है, इसी वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है।